ओके सो हे गाइस, माय नेम इज़ इमरान एंड वेलकम टू सर पेपल। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डब्ल्यू गेट कमांड के बारे में। तो चलिए जानते हैं डब्ल्यू गेट कमांड क्या होता है और इससे हम क्या टास्क परफॉर्म करते हैं। सो द डब्ल्यू गेट कमांड इन लिनक्स इज यूज टू डाउनलोड फाइल्स फ्रॉम द इंटरनेट और रिट्रीव सोर्सेज फ्रॉम वेब सर्वर्स। तो बेसिकली जैसे हम विंडोज़ में अपने गूगल क्रोम ब्राउजर का इस्तेमाल करके कोई भी चीज़ें फाइल्स डाउनलोड करते हैं, ठीक वैसे अगर हमें कमांड के थ्रू टर्मिनल के ऊपर कोई फाइल डाउनलोड करनी हो तो हम डब्ल्यू गेट कमांड का इस्तेमाल करते हैं। सो इट इज़ ए वर्सटाइल एंड पावरफुल टूल फॉर फेचिंग डेटा फ्रॉम URLs एंड सपोर्ट अ वाइड रेंज ऑफ प्रोटोकॉल्स इंक्लूडिंग HTTP, HTTPS, FTP एंड मोर। सो बेसिकली काफ़ी पावरफुल और वर्सटाइल टूल है और इसके थ्रू हम डेटा फेच करते हैं, चाहे HTTP वेबसाइट हो, चाहे HTTPS हो, चाहे फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो, इन सब के थ्रू हम इसके क्या करते हैं, अपने डेटा को फेच करते हैं। द बेसिक यूसेज ऑफ द डब्ल्यू गेट कमांड इज फॉलो। हम इस्तेमाल करते हैं डब्ल्यू गेट, फिर इस्तेमाल करते हैं इसके साथ ऑप्शंस, फिर उसके बाद हम देते हैं URL। ओके सो ऑप्शंस इंक्लूड वेरियस फ्लैग्स टू कंट्रोल द डाउनलोड प्रोसेस। ओके, इसे हम डाउनलोड का जो प्रोसेस होता है उसको कंट्रोल करते हैं, सच एज स्पेसिफाइंग द आउटपुट फाइल। जैसे अगर आउटपुट फाइल का नाम देना हो तो वो हम दे सकते हैं। सेटिंग यूजर एजेंट हेडर्स एंड लिमिटिंग डाउनलोड बैंडविड्थ। तो बेसिकली अगर हमें हेडर देना है एजेंट का वो डाल सकते हैं, या फिर बेसिकली हमें अगर लिमिट डाउनलोड की लिमिट जो है कि उसे एक स्पेसिफाई करनी है कि इतने स्पीड से ही डाउनलोड हो, तो बेसिकली हम वो भी काम कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, तो हम कुछ ऑप्शंस इस वीडियो में हम देखेंगे। URL क्या होता है? URL स्पेसिफाइज द वेब एड्रेस ऑफ द फाइल और रिसोर्स यू वांट टू डाउनलोड। तो बेसिकली URL क्या होता है, जहाँ पे हमें कोई फाइल है उसका डायरेक्ट URL होता है, या फिर कोई रिसोर्स है उसका URL होता है जिसे हम डाउनलोड करना चाहते हैं, वो हम यहाँ पे एंटर करते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो URL आप एंटर कर रहे हैं वो डायरेक्ट लिंक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कभी कभी होता है कि हम किसी लिंक पे क्लिक करते हैं वो हमें किसी और जगह रीडायरेक्ट कर देता है, फिर वहाँ से मेन फाइल डाउनलोड होती है। तो वैसे URL नहीं, डायरेक्ट लिंक जहाँ से हमें एग्जैक्ट फाइल देखने को मिलती है, डाउनलोड होती है, वो एग्जैक्ट URL आपका। कुछ एग्जांपल देखते हैं डब्ल्यू गेट कमांड का। पहला है डाउनलोड फाइल, डाउनलोड फाइल को डाउनलोड करना है तो बेसिकली हमें सिंपल डालना है अपने टर्मिनल पे डब्ल्यू गेट, फिर उसका URL। ओके, तो ये हमारी फाइल डाउनलोड हो जाएगी, फाइल डॉट txt, ठीक है। अगर आपको कोई फाइल डाउनलोड करनी है फिर उसको आप चाहते हो रीनेम करना, क्योंकि अगर इस जगह पर आप देखोगे तो फाइल डॉट txt जो फाइल यहाँ पे आप देखने को मिल रहा है ये बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट नेम है, तो अगर हम इसे डाउनलोड करेंगे तो फाइल डॉट txt के नाम से ही डाउनलोड होगी। लेकिन हम चाहते हैं कि इसका नाम चेंज हो जाए डाउनलोड करने के बाद ऑटोमेटिक, या फिर आप ऐसा बोलो कि हम जब डाउनलोड करें तो किसी और नाम से सेव हो, तो उसके लिए हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं डब्ल्यू गेट हाइफन कैपिटल ओ, फिर अपना फाइल का नाम देंगे, उसके बाद अपना URL इंटर कर देंगे। तो यहाँ पे जो डायरेक्ट URL है जिसका नाम है फाइल डॉट txt, लेकिन जब भविष्य ये डाउनलोड होगा तो हमारा लोकल फाइल डॉट txt के नाम से सेव होगा। बस ध्यान में यही रखना है आपको, अगर txt फाइल है तो वो txt ही मेंशन करना पड़ेगा, जिस टाइप की फाइल होती है, जो भी एक्सटेंशन होता है हमें सेव एक्सटेंशन यूज़ करना होता है। फिर बात आता है रिकर्सिव डाउनलोड। जब आपको कभी रिकर्सिव डाउनलोड करना है, जैसे कि आपको मान लो वेबसाइट को क्लोन करना है, तो वेबसाइट अगर पब्लिक है तो उसे आप क्लोन भी कर सकते हो, सारी फाइल्स, सारी डायरेक्टरीज सब कुछ आ जाएगा। तो उसके लिए हम -r ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि डब्ल्यू गेट -r फिर उस वेबसाइट का नाम, तो वो वेबसाइट हमारी पूरी क्लोन हो जाएगी। एक -r मतलब होता है रिकर्सिव, तो एक एक करके सभी फोल्डर्स में जाएगा, जो भी चीज़ें मतलब बेसिकली आपको पब्लिक देखने को मिलती है वो सब कुछ आपको डाउनलोड होकर मिल जाएगा। फिर आता है लिमिट डाउनलोड स्पीड। अगर आप डाउनलोड स्पीड को लिमिट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आपका डाउनलोड स्पीड है 10 Mbps, लेकिन आप चाहते हो कि हमारा 100 KB/s की स्पीड से डाउनलोड हो, तो आप उसकी स्पीड को लिमिट कर सकते हैं। और स्पीड लिमिट करने के लिए हमें ऑप्शन इस्तेमाल करना पड़ता है, जो कि है -limit-rate। एग्जाम्पल के लिए देखें तो डब्ल्यू गेट -limit-rate इज इक्वल टू 100K, फिर हमारा बेसिकली फाइल का URL। तो इससे क्या होगा, ये जो फाइल डॉट zip फाइल है, अगर हमारा सिस्टम, हमारा इंटरनेट का जो है स्पीड है वो 10 Mbps डाउनलोड करने का, लेकिन अगर हमने यहाँ पे -n जो लिमिट रेट लगा रखा है 100K मतलब तक के भी, तो हमारी फाइल की जो मैक्सिमम स्पीड डाउनलोड होगी वो होगी 100 KB/s की स्पीड से। ओके, तो डब्ल्यू गेट एक काफ़ी वैल्यूएबल टूल है ऑटोमेटिंग करने के लिए, फाइल को डाउनलोड करने के लिए, वेबसाइट मिररिंग करने के लिए, मिररिंग मतलब वेबसाइट क्लोनिंग। ओके, एंड डेटा रिट्रीवल फॉर फ्रॉम द वेब, इट इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर स्क्रिप्ट्स एंड फॉर वेरियस डेटा रिलेटेड टास्क इन द लिनक्स कमांड लाइन। तो बेसिकली अगर हम कोई स्क्रिप्ट चाहते हैं, ऐसा स्क्रिप्ट लिखना कि किसी
जगह से कोई फाइल हम डाउनलोड करें, फिर उसको हम एक्सट्रैक्ट करें, ये सारी चीज़ें तो मैंने बहुत सारे कमांड्स आपको पढ़ा दिए हैं, तो उन सब का इस्तेमाल करके आप इस सब टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं और चीज़ों को ऑटोमेट कर सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं लैब में, फिर आपको पे प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। ओके, सो हम आ चुके हैं अपने उबंटू की मशीन पे, और मैं अभी टर्मिनल में हूँ, और मैं हूँ डॉक्यूमेंट्स नाम की डायरेक्टरी के अंदर, और बेसिकली हम यहाँ पे चेक करते हैं मेरे पास कोई फाइल्स नहीं है। और मैंने यहाँ पे बेसिकली गूगल क्रोम ब्राउज़र नहीं, मैं अपने मोज़िला फायरफॉक्स मैंने ओपन कर लिया है, ठीक है। आप गूगल क्रोम यूज़ कर सकते हो, कोई ब्राउज़र यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं एक काफ्का नाम की वेबसाइट पे हूँ, ठीक है। यहाँ से हम काफ्का डाउनलोड करेंगे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिंक बना हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं बेसिकली इस पर क्लिक करता हूँ तो आप ये देख सकते हैं हम डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। सो इसको हम कैंसिल करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमने जैसे क्लिक किया तो डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुका है, यानी एक डायरेक्ट लिंक है। यहाँ पे क्लिक करते ही हमें फाइल डाउनलोड होती है, तो बस हमें इसी टाइप का लिंक चाहिए होता है। ऐसा लिंक नहीं कि हमने यहाँ पर क्लिक किया फिर वो कहीं हमें कहीं और लेके चला गया, ऐसा नहीं। ओके, तो बहुत ही सिंपल है, हमें बस इस लिंक पर राइट क्लिक करना है, फिर करना है कॉपी लिंक। ओके, इस पर हम क्लिक करते हैं और फिर आते हैं टर्मिनल पर, और हम यहाँ पर कमांड लगाएंगे wget स्पेस, फिर वो लिंक हम बेसिकली पेस्ट कर देंगे, फिर करेंगे एंटर। तो आप देख सकते हैं हमारा जो फाइल है वो डाउनलोड होना शुरू हो गया। आप स्पीड देख सकते हैं यहाँ 5 MB, 6 MB, 7 MB पर सेकेंड की स्पीड से डाउनलोड हो रहा है। ओके, ऑलराइट, हम करते हैं ls। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये फाइल हमें डाउनलोड हो चुकी है। अगर बेसिकली हम इसका साइज़ चेक करें कि इस फाइल की साइज़ कितनी है, तो अगर हम -u-h काफ्का, तो आप देख सकते हैं 109 MB इसका साइज़ है इस फाइल का, जो कि डाउनलोड हो चुका है। एवरेज स्पीड कितना है? 7 MB पर सेकेंड, ठीक है। ये डाउनलोड हुई कितने देर में? 16 सेकेंड्स में। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसको हम करते हैं क्लियर, फिर करते हैं ls, फिर बेसिकली इसको रिमूव कर रहे हैं। ओके, अब जो नेक्स्ट कमांड है कि अगर हमें ये जो फाइल थी वो काफ्का के नाम से डाउनलोड हुई थी, ठीक है, और इसका जो एक्सटेंशन था .tgz था, तो अगर हमें इसका आउटपुट चेंज करना हो, किसी और नाम से बेसिकली सेव करना हो, तो कैसे करेंगे? तो हम लिखेंगे wget ओके -o, फाइल का नाम देंगे, तो मैं लिखता हूँ imran.tgz, ठीक है। फिर लिंक पेस्ट कर देंगे, फिर करेंगे एंटर। ओके ओके, तो हमारी फाइल डाउनलोड हो चुकी है। हम करते हैं ls, तो आप देख सकते हैं हमारा जो फाइल था काफ्का के नाम से, और आप लिंक में भी देखो तो यहाँ पे काफ्का लिखा हुआ है, ठीक है। तो जो कि डाउनलोड हो चुका है imran.tgz के फॉर्मेट में, और हमारा जो हमने नाम दिया था। अगर हम इसका साइज़ चेक करें बेसिकली, तो आप देख सकते हैं इसका साइज़ है 109 MB का। ओके ओके, तो हमने फाइल डाउनलोड कर लिया, उसको डाउनलोड करते समय रीनेम भी कर दिया। अब जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है किसी फाइल को डाउनलोड करते समय उसका स्पीड कम करना या फिर सेट करना। तो बेसिकली हम उसके लिए सिंपल कमांड लगाएंगे wget -fn limit -rate = 100 KB, फिर यहाँ पे हम URL पेस्ट कर देंगे और फिर करते हैं एंटर। तो आप देख सकते हैं अब हमारा जो स्पीड आएगा वो 100 KB से ऊपर नहीं जाएगा, जो हमारा मैक्सिमम स्पीड होगा वो होगा 100 KB, क्योंकि हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया 100K। ओके, तो अब ये तो डाउनलोड होने में काफ़ी समय लग जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं ETA elapsed time of arrival, तो बेसिकली 18 मिनट लगेगा हम इसे डाउनलोड होने में। तो इस तरीके से आप किसी फाइल को डाउनलोड करने का जो स्पीड है उसको भी लिमिट कर सकते हो। तो हम करते हैं कंट्रोल से इसे कैंसिल और इसे रिमूव करते हैं, क्योंकि हमारी फाइल प्रॉपर डाउनलोड नहीं हुई है। ओके, सो अब जो बेसिकली नेक्स्ट कमांड है वो है हमारा किसी वेबसाइट को क्लोन करना। ओके, तो क्लोन करने के लिए काफ़ी इजी कमांड है, हम लिखते हैं wget -r, फिर स्पेस किसी वेबसाइट का नाम। तो हम चलते हैं अपने ब्राउज़र में, और वेबसाइट के जो URL है, मान लो हमको इस वेबसाइट को क्लोन करना है, तो बेसिकली हम इस पर क्लिक करके इसका लिंक जो है कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद आते हैं टर्मिनल पे, और यहाँ पे हम सिंपली पेस्ट कर देते हैं, फिर करते हैं एंटर। तो ये तो बेसिकली आपको यहाँ पे एरर देखने को मिला। तो मे बी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो कि आपको कॉपी नहीं हो सकती, लेकिन हम कुछ वेबसाइट से कॉपी हो जाती हैं, जैसे कि मैं दोबारा करूँ wget -r और www.wix.com, ठीक है, ये वेबसाइट, इसको हम एंटर करते हैं और देखते हैं क्या ये हो पा रहा है। हाँ, तो ये एक वेबसाइट है wix.com,
ये क्लोन होना शुरू हो गई, तो इसमें काफ़ी समय लग सकता है, क्योंकि डिपेंड करता है कि वेबसाइट का साइज़ कितना है, उसके अंदर कितने सारे फाइल्स हैं, कितने सारे डायरेक्टरीज हैं, तो वो सब के सब एक एक करके आपका हर डायरेक्टरी में जाएगा, हर डायरेक्टरी के वेब फाइल्स को उठाएगा, फिर डाउनलोड करेगा, ऐसे करके पूरे वेबसाइट में जो भी हमें विजुअल होती है उस सबको क्लोन कर देगा। ओके, इसमें काफ़ी समय लग सकता है, ठीक है। तो मैं उतना वेट नहीं करता हूँ, मैं अभी बीच में ही कैंसिल करता हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ। तो हम करते हैं कंट्रोल सी, और मैंने इसको किया ओके स्टॉप, फिर करते हैं क्लियर, फिर करते हैं एलएस। ये रही मैं डायरेक्टरी wix.com के नाम से। अगर हम करें cd, इसके अंदर गए तो इसके अंदर देखें कितनी सारी फाइल्स आपको देखने को मिलती हैं, डायरेक्टरी देखने को मिलती हैं। तो इस तरीके से पूरी की पूरी वेबसाइट आप क्लोन कर सकते हो, उसको मिरर कर सकते हो। ओके, तो गाइज ये है बेसिक सा आपका, मैंने बताया आपको डब्ल्यू गेट कमांड के बारे में कि आप डब्ल्यू गेट कमांड से क्या करते हैं, क्या टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, कैसे स्पीड को लिमिट कर सकते हैं, जो बेसिक वर्क होता है डब्ल्यू गेट कमांड का मैंने आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया। उसके अलावा आप और चीज़ देखना चाहते हैं डब्ल्यू गेट कमांड के बारे में, तो आप लिखिए मैन डब्ल्यू गेट, तो इसके साथ आपको मैनुअल देखने को मिल जाएगा। तो इसमें ढेर सारे ऑप्शंस मिलेंगे कि किस ऑप्शंस का इस्तेमाल करके आप क्या काम कर सकते हो, तो आप ये भी देख सकते हो। ओके, सो गाइज बस फिलहाल वीडियो में तो यही था, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।